हम तो सुबह आने वाले थे ना, फिर हम इतनी रात को यहाँ क्यों? दुर्गा, ये एकेडमी अपने स्टूडेंट्स के लिए 2400 घंटे खुली रहती है। सब फिर भी इतनी रात को कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? हम एकेडमी पहुंच गए हैं। राणा सर जी दुर्गा को लेकर एकेडमी पहुंच गए हैं। अब गायत्री देवी को बता सकता हूँ, वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी दुर्गा को। हेलो, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे घर पे है वो। क्या हुआ प्रिंस को? यशपाल जी का फोन था, उन्होंने कहा कि प्रिंस का एक्सीडेंट हो गया। मिलनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं क्या किया है हमारे बेटे के साथ। एक एक को गोली से उड़ा दूंगा मैं। ओहो, धन्य है आपका जुनून तो दिन में ही देख लिया था, लेकिन इतनी भी क्या उत्सुकता कि आधी रात ही आ गए। थोड़ा और जिंदगी जी लेती, क्योंकि कल से तो यूं भी। खैर, वैसे बता दूं कि एकेडमी 2400 घंटे खुली रहती है। आइए आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। सर, अब और नहीं हो पाएगा सर। बहुत, बस कीजिए। बहुत हो गया सर। सर बस कीजिए। सर थक गया, बहुत थक गया सर। प्लीज सर, प्लीज बस कीजिए। ये आवाज किसकी है सर जी? यहाँ शहीद होने वाले बकरों की चीखें हैं। तैयार रहिए, कल से आप भी इन्हीं में से एक होने वाली। तो क्या है, हमारे भगत सर जो है ना, उनका जुनून आसमान पर रहता है। उनका जब मन करे ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। आप देखिए ना, आज आधी रात को प्रैक्टिस शुरू हो गई। आधी रात में? और नहीं तो क्या। आइए दिखाता हूँ। चले, मुझे यहाँ पे आज एनर्जी नहीं दिख रही। कमान, क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? फास्ट, क्विक, कमान। और सुनो, तुम get up, get up। वो लड़की देख रहे हैं जिसने गुलाबी टी शर्ट पहन रखी है, वो तारा है। भगत जी सर ने पूरा एक साल लगाकर इसे तैयार किया है। कमान एवरीबॉडी, कम। क्या हुआ सर? प्लीज 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक क्यों? मैं तुम्हें लाइफ टाइम का ब्रेक दे देता हूँ, तुम अगर अभी उसी वक्त एकेडमी से निकल जाओ, फिर ब्रेक ही ब्रेक। और ये बात आप सबके लिए, जिसको भी ब्रेक चाहिए ना, वो परमानेंट ब्रेक ले सकता है। वैसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्हें लगता है कि वो मेरे ट्रेन किए हुए एथलीट से ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा है नहीं और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। कमांड। क्या हुआ तुम लोग के सर जी? अब यहाँ हॉल्ट मत कीजिए, वरना मेरी नौकरी पर हॉल्ट लग जाएगा। चलिए चलिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी मैं आपके कोच सर। ये एथलीट्स तैयार कर रहे हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं। अरे नहीं सर, आप हमारे भगत सर को नहीं जानते ना। हमारे भगत जी अनोखे हैं, अनोखे। वो वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। उनकी बात न मानने का मतलब है एकेडमी से बाहर, और जो मान लो तो सीधा अपने सपनों के नजदीक। आइए आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। हमारे बेटे प्रिंस, बताइए कहाँ छुपा के? ओ,
बोलिए बेटा, हमें बताइए आपके साथ किसने क्या किया है, बताइए हमें, बोलिए प्रिंस, किसने किया हमारे बेटे का ये हाल, बताइए किसने किया हमारे बेटे का ये हाल। जिसने भी हमारे बेटे का ये हाल किया है ना, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उन्हें जिंदा। चौधरी, चौधरी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? ओ ट्रस्टी साहब, ए चुप, ए चुप, ए चुप, ए चुप। ये है आपका मन भवन, उच्च कोटि का कमरा। अच्छा है, कमरा तो बढ़िया। शुक्रिया जी। अरे सर जी, शुक्रिया हमें नहीं, उन महानुभाव को कहिए जिन्होंने एक बार इस कमरे में रहकर इसे मशहूर कर दिया। मशहूर किसने? जस्सी का नाम तो सुना होगा ना आपने। नहीं तो? लो जी, जस्सी को नहीं जानती आप? अरे आप चैंपियन बनने आई हैं और असली चैंपियन का नाम तक पता नहीं। अरे क्या थी, चीता थी, चीता। जब दौड़ती थी ना तो जमीन पर उनके पैर नजर नहीं आते। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हरियाणा में से किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और हमें पता था कि नहीं? अरे सर, आप अपनी बात कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता उनके बारे में, बस उनके किस्से कहानियों के चर्चे यहाँ हवाओं में गूंजते रहते हैं। सर जी, आप लोग बड़ी बातें करते हैं, जल्दी कीजिए वरना भगत जी कहीं अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं कर दें। देखो दुर्गा, तुम्हें एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ तुम ट्रेनिंग करना। अब भगत सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पर उनसे अच्छे से सीख के आना। तो सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरा मन लगा के ट्रेनिंग करूंगी। पर सर वो एसपी। अरे एसपी इसकी तो तुम चिंता मत करो ना, वो मैं संभालूंगा। तुम यहाँ पूरा ध्यान लगा के अपनी मेहनत करो। जी ठीक, ख्याल रखना। आप ही सर। चले यहाँ से आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा और उस मुकाम तक ले जाना होगा जहाँ जस्सी जी जैसे मेरे नाम की चर्चा हर जगह हो। पर ये जस्सी है कौन? कली हरकत कर रहे हो ट्रस्टी जी, तुम्हारी ये जो शहरी हरकतें हैं ना, इनको भिवानी में छोड़ के आना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा गांव है, ये मेरी जमीन है, मेरे पे उंगली उठाने वाले की भी
हवा कर देता हूँ मैं। क्या बंदूक दिखा के डरा रहे हैं मेरे को? अरे बचपन में बहुत खेल के इनको फेंक चुका हूँ मैं। और बंद कर दो अपनी ये हरकतें। इस छोकरी को इतना मजबूर मत करो कि तुम्हारा खून पीने को मजबूर हो जाए। रख लो इसको संभाल के, किसी और को डराने के काम आएगी। और बाकी रही बात तुम्हारे बेटे की, तो इसको तो सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। मेरे घर में घुस के दुर्गा को ढूंढ रहा था और गिर गया सीढ़ी से, तो चोट तो लगनी थी। एक तो डॉक्टर बुलाया इसके लिए, इलाज कराया इसका। कायदे से तो करना चाहिए था कि इसको इसी तरह से तड़पते हुए छोड़ देना चाहिए था। यही सजा होनी चाहिए थी इसकी जो इसने मेरी बेटी के साथ किया। हम पत्थर दिल नहीं है, दर्द समझते हैं अपना भी और परायों का भी। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप हमें कोई भी झूठी कहानी बनाकर बताएंगे और हम उसका भरोसा कर लेंगे? ना ना, आपको भरोसा करने की क्या जरूरत है? एक काम करो, रोटी के ऊपर अचार रख के ना उसके ऊपर भरोसा लगा के खा जाओ। कोई जरूरत नहीं हमको तुम्हारे भरोसे की। बुलाया इसलिए था कि अपने बेटे को उठाओ और चलते बढ़ो अभी यहां से, अभी के अभी। शिकल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम लोगों की। प्रिंस मेरे बच्चे, लगता है एम्बुलेंस आ गई। शुक्र है, अब मेरे बेटे को इस थर्ड क्लास झोपड़े में नहीं रुकना पड़ेगा। आइए डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब। जी देखिए, हमारे बेटे की हालत ज्यादा नाजुक तो नहीं है ना? ठीक है ना हमारा बच्चा? थैंकफुली ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन पीठ के बल गिरने के कारण इनके रीढ़ में जख्म हो गया है। इनको स्ट्रेचर पे डालो। आराम से, हाँ आराम से। ये अभी चलने की हालत में भी नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ तो कीजिए। देखिए हम अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ, चोट अंदरूनी है। मैं इनको पेन किलर का इंजेक्शन दे रहा हूँ, अगर इसका भी असर नहीं हुआ तो हम इनको हिला नहीं पाएंगे। और अगर ये हिल नहीं पाए तो फिर एक ही रास्ता बचता है, आराम से। देखिए जब तक इनकी चोट को आराम ना आ जाए तब तक इनको यहाँ इसी पोजीशन में रहना चाहिए। नहीं डॉक्टर, हम अपने बेटे को इस घर में नहीं रख सकते। देखिए बैकबोन के पास ये नर्व्स होती हैं, अगर इनको ज्यादा दर्द हुआ तो हो सकता है नर्व्स तक ये पेन पहुंच जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इनको पैरालिसिस भी हो सकता है। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।